वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम फिर से होंडा एलिवेट की सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन लीक होकर आई है इस गाड़ी के रिलेटेड एकदम कंफर्म वो डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल गाड़ी भी डिस्कस करेंगे। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाए। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुई एंड अगर आप इस गाड़ी को यूट्यूब पे सर्च करेंगे काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस गाड़ी को कह रहे हैं कि आने वाली होंडा HR-V है, यानी कि HR-V को होंडा एलिवेट कह रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। पर अगर आप इस गाड़ी को ध्यान से देखेंगे जब भी टेस्टिंग में थी एंड अगर आप इसको कंपेयर करेंगे होंडा HR-V से, काफ़ी सारे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। HR-V में आपको थोड़ा कूप डिज़ाइन देखने को मिलता है, ऑन द अदर साइड इस गाड़ी में आपको सिंपल देखने को मिलता है, यानी कि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट होने वाली है। एंड अगर बात करें फ्रंट लुक की, फ्रंट में भी काफ़ी डिफरेंस है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे होंडा HR-V से, इंक्लूडिंग बैक लुक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सो यहाँ से तो कन्फर्म होता है कि ये गाड़ी होंडा HR-V नहीं होने वाली, पर इसमें आपको थोड़े बहुत फीचर्स ये वाली गाड़ी के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि है तो ये होंडा की SUV। अगर बात करें इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की, इस गाड़ी में आपको इस टाइप के फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे विद DLLs, जैसे आपको होंडा सिटी में हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं सेम उसी स्टाइल में। बस फर्क ये होने वाला है, होंडा सिटी में आपको छोटी ग्रिल देखने को मिलती है पर इसमें थोड़ी बड़ी, क्योंकि ये एक SUV है। बाकी आपको बम्पर में फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगे। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इस गाड़ी में अंडरबॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी ब्लैक में टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स एंड आपको 17 इंचिस या फिर 16 इंचिस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको ORVM में कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक लुक की बात करें, बैक में आपको फुल LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद रियर वाइपर, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर। एंड अगर बात करें इस गाड़ी के रूफ की, रूफ में आपको शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स तो देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है इस गाड़ी में आपको छोटा सनरूफ देखने को मिलेगा या फिर फुल पैनोरामिक सनरूफ। अगर बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा जिसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा विद स्टेरिंग व्हील, जिसमें आपको स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ वे एडजस्टेबल होने वाला है। उसके साथ आपको इस गाड़ी में बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इंक्लूडिंग 360-degree कैमरा विथ ऑटोमेटिक AC एंड रियर AC वेंट्स। आपको बाकी फीचर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि वायरलेस चार्जर, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर इलेक्ट्रिक सीट जैसे फीचर भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ ओवरऑल सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी की 5 रहने वाली है। बाकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होगी, आपको ऑल स्टेबल हेडरेस्ट विद फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट जैसा फीचर भी देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी में आपको इसके टॉप एंड वेरियंट में 6 एयरबैग्स, ABS-CVT, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ इस गाड़ी में भी होंडा सिटी की तरह आपको एडास के फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो एडास के फंक्शंस आपको होंडा सिटी में देखने को मिलते हैं, यानी कि आज की रेट में, वही सेम फंक्शंस आपको होंडा एलिवेट SUV में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे कि इस गाड़ी की सेफ्टी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, होंडा कार्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टू हुंडई और मारुति। इंजन वाइज ये गाड़ी आपको डीजल इंजन में नहीं देखने को मिलेगी, ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल एंड एक पेट्रोल प्लस हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में देखने को मिलेगी। इसमें मिलेगा आपको 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 121 BHP एट द रेट 145 Nm ऑफ टॉक। एंड मिलेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल प्लस हाइब्रिड, इसमें आपको बैटरी एंड मोटर का सेटअप देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 126 BHP एट द रेट 253 Nm ऑफ टॉक। टॉक ये इंजन ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसमें बैटरी एंड इंजन भी लगा है, उसकी कंबाइंड आउटपुट है 253 Nm ऑफ टॉक। बाकी ये गाड़ी आपको बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी, पर इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन नहीं देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि ये गाड़ी इंडिया में कब लॉन्च होगी एंड इसका क्या प्राइस रहने वाला है। रिसेंटली होंडा ने अपने यूट्यूब चैनल पर होंडा एलिवेट की एडवर्टाइजमेंट को शोकेस किया था, पर उस एडवर्टाइजमेंट में होंडा एलिवेट का नाम ही शोकेस करा है, बस गाड़ी आपको नहीं दिखाई। सो उस हिसाब से ये गाड़ी आने वाले 2-3 महीने में लॉन्च हो सकती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के प्राइस की, ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन देगी
करेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हैरेटर जैसी गाड़ियों को। सो इसका प्राइस भी उतना ही रहने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग लगभग 12 लाख, यानी टॉप एंड वेरियंट यानी कि हाइब्रिड वेरियंट मैक्सिमम 22 लाख तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा एक्सशोरूम। सो ये थी मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।